नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्लासेस विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे के स्पेशल क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछे गए हैं और अभी भी इनकी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका है कि सबसे पहले तो इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग लिख सकता हूँ इस तरीके से। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 106 बराबर मैंने a मान लिया, 94 बराबर b मान लिया। अब 106 की जगह a रख दूँगा और 94 की जगह b रख दूँगा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। अब मैं a की जगह 106 रख दूंगा और b की जगह 94 रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 106 धन 94 और दूसरे कोष्टक में रख दूंगा 106 माइनस 94। अब इनको हल कर लूँगा, 106 और 94 हो जाएंगे 200 और गुणा, यहाँ पे गुणा है, 106 में से 94 जाएंगे तो 12 बार 2 24, तो हमारा आंसर आ गया 2400। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से हल करना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ए बराबर ए बी बराबर जीरो, तो रेलवे 2006 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का एकदम बेसिक और सरल तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना, वो प्रश्न में जो भी देता है उस वैसे ही देख के करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार उसने अपन को बता दिया है कि ए बी बराबर जीरो, तो अपन को सिर्फ ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं ये ए को बटे में ले जा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो बी बराबर जीरो बटे ए, मतलब बी बराबर जीरो, तो ये अपना बी का मान आ गया। क्या आ गया? बी बराबर जीरो। अब इसी प्रकार ए का मान ज्ञात कर लेता हूँ, ए बराबर जीरो बटे बी बराबर जीरो, यहाँ पे ए का मान क्या आ गया? जीरो। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जो ए दिया है इसको बी को बटे में ले जाना है, ए को बटे में ले जाना है और ए और बी के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन रेलवे 2006 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। दोस्तों, ये इसका सूत्र है, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, सवाल में जो भी मान दिए उनको रखना रहता है। तो अपन को सवाल में क्या भाज्य दिया है, नहीं दिया, तो भाज्य को वैसे का वैसा रहन देंगे। अपन को भाजक दिया है, हाँ दिया है 100, तो 100 लिख देंगे। फिर गुणा का चिन्ह भागफल दिया है 403, तो 403 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों, शेषफल हमको दिया है, हाँ दिया है, शेषफल 58 दिया है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा वो अपन को तीन वैल्यू दे देगा, तो चौथी वैल्यू निकालनी रहेगी। अगर इसमें अपन को दो वैल्यू देता तो अपन इसको हल नहीं कर सकते थे। अब इसको हल करके देखते हैं दोस्तों। तो भाज्य बराबर 403 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 403 00, ये इसका गुणा हो गया। धन 58, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ लेंगे, भाज्य बराबर 403 58। तो दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतन मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों, ये रेलवे 2005 में आया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि जो ये स्टार दिया हुआ है इसके स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता, जो भी दिया है उसको पूरा जोड़ देंगे। 6735 और अपन इसकी जगह x मान लेते, स्टार की जगह
सभी को अपन जोड़ देंगे, तो अपन ने स्टार की जगह एक्स मान लिया। अब दोस्तों एक्स के बाद एक और अंक दिया है एक, इन सभी को अपन जोड़ देंगे, तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, तो ये हो जाएंगे 22 धन x, तो ये अपना आ गया। अब दोस्तों इस अगर एक्स की जगह क्या ऐसा करे कि मतलब देखो दोस्तों, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 9 से पूर्णतः विभक्त संख्या होनी चाहिए, तो 9 से पूर्णतः विभक्त संख्या क्या होती है, 9 होती है, 18 होती है, 27 होती है ना। तो दोस्तों अपनी जो संख्या आ रही उसमें कौन सी संख्या जोड़े कि वह क्या हो जाए, 27 हो जाए। तो दोस्तों 22 धन 5 बराबर 27 हो गई, मतलब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगी। इसको अपन 9 से भाग देंगे तो पूरी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 9 3 27, मतलब पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो x की जगह क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो x बराबर 5 अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। इनमें सभी को अपन जोड़ देंगे तो 1 धन y धन 3 धन y धन 6, कुछ नहीं करना रहता, बस इनकी जगह धन धन लगा के इनको जोड़ना रहता है। तो 1 और 3 4 और 6 10, तो ये हो जाएगा 10 धन y और y 2y, ये हो गया। अब दोस्तों अब 11 से विभक्त कौन कौन सी संख्या होती है, 11 होती है, 22 होती है, 33 होती है। अब दोस्तों यहाँ 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि 10 में अपन को जोड़ना है ना, और 2 का गुणा भी उसमें करना है। अगर मान लो यहाँ y रहता तो y बराबर 1 आ जाता है ना, पर ऐसा नहीं होगा, तो अपन को ऐसी संख्या इसमें जोड़ना है कि इनका योगफल कितना हो जाए, 22 हो जाए। तो कौन सी संख्या, y बराबर 10 रखते हैं, तो सॉरी दोस्तों 10 नहीं 6 रखते हैं ना, तो 10 धन 2 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 10 धन 12 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्तों। तो 22 11 से विभक्त होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो यह क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभक्त संख्या हो गई। तो अपना 6 y का मान क्या आ गया, y बराबर 6 आ गया, क्योंकि अपन ने y की जगह क्या रखा, 6 रखा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। और यह हमारे रेलवे स्पेशल का फर्स्ट वीडियो था, और मैं आपके लिए आगे भी इसी तरीके से रेलवे के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।